एक बहन ने सवाल किया है कि ये कहा जाता है और हमारे उलमा बयान करते हैं, मैंने अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमाम की ज़बानी सुनी कि हर औरत जन्नत में अपने शोहर के साथ रहेगी, लेकिन अगर किसी औरत ने दो निकाह किए हों तो वे किस शोहर के साथ रहेगी? अच्छा माशाल्लाह। देखिए, हर बीवी अपने शोहर के साथ रहेगी, लेकिन इस शर्त पर रहेगी कि शोहर जन्नती है तो बीवी भी जन्नती हो। अब बीवियां खुद ही शोहर को दाढ़ी रखने नहीं देती तो वो उसका शोहर कैसे जन्नती होगा, वो खुद ही उसको मजबूर करती हैं। तो इसलिए खुद भी नमाज पढ़िए, शोहर को भी कहिए वो नमाज पढ़े, ताकि आप दोनों जन्नत में एक साथ रहें। लेकिन अब अगर किसी ने एक के बाद एक दो निकाह किए तो वो किस शोहर के साथ जन्नत में रहेगी? बाज़ उलमा फरमाते हैं कि वो जिस शोहर के निकाह में इंतकाल करेगी उसी शोहर के साथ वो जन्नत में रहेगी, एक बात। लेकिन इससे मजबूत दूसरी बात है, वो ये है कि वो दोनों शोहरों में, कि एक शोहर इंतकाल कर गया और दूसरे शोहर से उसने निकाह किया, तब वो दोनों शोहरों में सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे करती है वो उसी शोहर के साथ जन्नत में रहे। सुभान अल्लाह। तो क्योंकि फरमाया गया अलमरअ मा मन अहब्बा, कि जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ रहेगा, तब उसको दोनों शोहर में जो शोहर ज्यादा प्यारा है वो उसी के साथ जन्नत में रहेगी इंशाल्लाह।